मॉर्निंग भारत, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोज़ाना बात करते हैं न्यूज़पेपर की, बड़ी बड़ी खबरों से लेकर छोटी खबरों के, लेकिन आज हम शुरुआत न्यूज़पेपर की खबरों से नहीं बल्कि उस खबर से करेंगे जिसने बॉलीवुड को एकदम थाम कर रख दिया। जी हाँ, बॉलीवुड जगत से एक दुखद खबर। 29 अप्रैल को एक्टर इरफान खान का निधन और आज 30 अप्रैल को सुबह के वक्त एक्टर ऋषि कपूर का HN रिलायंस हॉस्पिटल में निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित चल रहे थे और 2018 में ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क भी गए थे। सैकड़ों फिल्में बॉलीवुड को देने वाले एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहे, दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अपनी फिल्म शर्मा जी नमकीन में काम कर रहे थे, जो फिल्म अधूरी छोड़कर वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पेपर्स की खबरों की, न्यूज़पेपर की खबरों की। अगर बात करेंगे तो पहले दैनिक जागरण की बात कर लेते हैं। दैनिक जागरण में कोरोना मीटर से शुरुआत करेंगे तो कोरोना मीटर में दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो 31,62,438 लोग दुनिया भर में संक्रमित हैं, 2,19,287 लोगों की मौत हो चुकी है, 9,75,673 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। जिस तरीके के आंकड़े हैं उस तरीके से अमेरिका को शीर्ष पर रखा गया है। कोरोना संक्रमित इस वक्त अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा है, 10,36,417 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, 59,284 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में, 1,43,097 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्पेन की बात कर लेते हैं कि स्पेन में कितने आंकड़े हैं। स्पेन में 2,36,899 लोग संक्रमित हैं, 24,275 लोगों की मौत हो चुकी है, 1,32,929 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जिस तरीके से अमेरिका और स्पेन के आंकड़े हैं, अगर बात करें अब भारत के आंकड़ों की, तो भारत में 32,523 लोग संक्रमित हैं कोरोना से, 1,068 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में, और 7,797 लोग स्वस्थ भी हुए। तो ये आंकड़े हैं भारत के कोरोना से जो संक्रमित हैं, मौत के आंकड़े हैं और जो लोग स्वस्थ हुए हैं। तो इस तरीके के आंकड़े भारत के हैं। और राज्य के अनुसार अगर बात की जाए भारत में, तो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 9,000 के पार आंकड़ा जा चुका है, गुजरात की बात करें तो 4,000 के पार ये आंकड़ा है, और दिल्ली की अगर बात की जाए तो 3,000 के पार ये आंकड़ा है। जिस तरीके से आंकड़े महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में देखे जा रहे हैं, सोचने वाली बात है कि आगे इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। बात कर लेते हैं खबरों की। अब खबरों की अगर बात करें तो प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्र, जो भी कहीं पर अगर फंस गए हैं लॉकडाउन के दौरान, प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक, इन लोगों को घर वापस भेजने के लिए तैयारी की जा रही है। हर राज्य में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होगी। जिन जिन लोगों को अपने अपने घर वापस जाना है उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद वो लोग अपने घर वापसी जा सकेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन इस वक्त इसीलिए ज़रूरी है, सरकार की नज़र में वो ब्यौरा आना चाहिए कि कौन अपने घर गया है, और जो चेकअप होंगे, थर्मल चेकअप होगा, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही वो लोग अपने घर जा पाएंगे, ताकि कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति यहाँ से वहाँ ना जा पाए। इसीलिए स्क्रीनिंग पहले होगी, अगर एक भी लक्षण आप में पाया जाता है तो आपको वहीं से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को अपने घर भेजा जाएगा उन लोगों को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाएगी। जी हाँ, 14 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन करना होगा खुद को। अब अगली खबर की अगर बात कर लें तो विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जुलाई में परीक्षाएं होंगी। जो परीक्षाएं अब होनी थी वो परीक्षाएं अब जुलाई के लिए पोस्टपोन कर दी गई हैं। जुलाई में उनकी तारीख तय की जाएगी कि कौन सी तारीख को जुलाई में ये परीक्षाएं होंगी। अगली खबर की अगर बात कर लें तो कोरोना को थामने में रहे कई राज्य सफल, कई राज्यों ने कोरोना को थामने की कोशिश की जिसमें वो सफल भी रहे हैं। बदलने लगी तस्वीर, रेड जोन के ज़िलों की संख्या 170 से घटकर 129 हुई। जहां 170 जो ज़िले थे वो रेड जोन में आ रहे थे, अब 129 ज़िले ही रह गए हैं रेड जोन में। धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है। केरल, तमिलनाडु और हरियाणा में तेज़ी से स्वस्थ हो रहे हैं मरीज़, तो ये एक अच्छी खबर है। केरल, हरियाणा
और तमिलनाडु से। सुधरने के बाद दिल्ली में फिर से बिगड़ने लगे हालात। दिल्ली में हालात कुछ सुधरे थे, लेकिन उसके बाद अब फिर से स्थिति बिगड़ने लगी है। जिलों की स्थिति बता दें, ग्रीन जोन में 307 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 297 जिले हैं, रेड जोन में 129 जिले हैं। तो इस तरीके से ये जोन बनाए गए हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन। देश में कोरोना का संक्रमण जो है, कोरोना संक्रमण के विस्तार की स्थिति की अगर बात की जाए तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे रोग मुक्त होने वाले लोग की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं, रोग से मुक्त हो रहे हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वहीं दैनिक मृत्यु दर रोजाना लगभग समान है, ऐसे में हमारे लिए बड़ी चिंता संक्रमण के बढ़ते मामले हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस तरीके से कुछ अच्छी खबरें हैं तो उससे ज़्यादा बुरी खबरें भी हैं कि संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कुछ सुधार जरूर है, लेकिन संक्रमण अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अगली खबर की अगर बात की जाए तो जैसे कि शुरुआत में आपको बताया कि 29 अप्रैल और 30 अप्रैल हमेशा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 29 अप्रैल को एक्टर इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा और 30 अप्रैल को एक्टर ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कहा। तो एक्टर इरफान खान को समर्पित है ये कॉलम इस न्यूज़पेपर का। नहीं रहा अभिनय का फनकार इरफान, अपनी अदायगी से किरदार को जीवंत बनाने वाले अभिनेता इरफान, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों के लिए कहा जाता है कि अफसाने कहती हैं, बुधवार को सदा के लिए ये हमें अलविदा कहकर चले गए। जो इनकी आंखों की तारीफ होती थी, ये आंखों को कहा जाता था कि इनकी आंखें अफसाने बयां कर देती हैं, वो आंखें अब हमारे बीच नहीं रहीं। जो है इरफान खान दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, साथ ही साथ आज 30 अप्रैल को भी एक्टर ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अल्पसंख्यक संस्थानों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है मीट, खबर बताते हैं आपको। मेडिकल में एडमिशन के मामले में शीर्ष अदालत का अहम फैसला, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में नीट के प्रावधानों को ठहराया सही। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के प्रावधानों को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दूरगामी प्रभाव वाले अहम फैसले में कहा है कि मेडिकल के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समान परीक्षा का प्रावधान करने वाली नीट की सहायता से प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। अगली खबर की अगर बात की जाए, कर्ज को लेकर बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या कहना है, फंसे कर्ज पर देश को गुमराह कर रहे राहुल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो कर्ज की बात कर रहे हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। जो खबरें आई थी बीते दिनों की आरबीआई की तरफ से 68,607 करोड़ का कर्ज माफ़ किया गया है, जो 50 शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनका कर्ज माफ़ किया गया है, तो उसी पर उन्होंने जवाब दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस को ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस नेतृत्व में गठित सप्रंग दो के कार्यकाल 2009 से 2014 के बीच 1.45 लाख करोड़ रुपए के बकाया कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया गया था। वित्त मंत्री ने मंगलवार को देर रात ट्वीट के जरिए बिंदुवार जवाब दिया। जो इल्जामात लग रहे थे वो सभी उनका जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये ट्वीट किया। अब अगर अगली खबर की बात कर ली जाए तो दैनिक भास्कर की अगली खबर को लेंगे हम। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से दैनिक जागरण में कोरोना मीटर से हम शुरुआत करते हैं, तो दैनिक भास्कर में अगर शुरुआत करेंगे तो एक ग्राफ है जिसमें कोरोना संक्रमित के अनुसार ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। देश में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 2585 यानी कि 2585 मरीज और पहली बार 107 मौतें, पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा। 10 दिन से हर दो दिन में 100 मौतें हो रही थी, उससे पहले 3 से 4 दिन में 100 मौतें हो रही थी। पहली 100 मौतें 24 दिन में हुई थी, फिर ऐसे बड़ा मौतों का
ग्राफ, एक ग्राफ दिया गया है कि किस किस तरीके से ये मौत के आंकड़े बढ़े हैं। चिंता ये भी है कि भारत अब सबसे ज़्यादा एक्टिव केसों वाले में, देशों वाले में जो लिस्ट है उनमें शामिल हो गया है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव केस पाए जा रहे हैं उस लिस्ट में अब भारत का भी नाम शामिल हो गया। समस्या और ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। 36 दिन बाद केंद्र ने लॉकडाउन में एक राज्य से दूसरे में जाने के बनाए नियम। मजदूर, छात्र, पर्यटक घर लौट सकेंगे। यानी कि जिस तरीके से दैनिक जागरण में खबर को कॉलम दिया गया है, घर जा सकेंगे पर्यटक, छात्र और प्रवासी मजदूर, तो उसी कॉलम को लेकर यहां पर भी अगर कंपेयर की जाए तो घर वापसी की छूट इसमें जो खबर है और वापस लौटेंगे प्रवासी मजदूर पर्यटक जो दैनिक जागरण की खबर है वो। पंजाब ने 17 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है, मई अंत तक लॉकडाउन, ममता बनर्जी। पंजाब में कर्फ्यू बढ़कर 17 मई तक हो गया है और मई अंत तक रहे लॉकडाउन, ऐसा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है। वापसी की शर्तें बता देते हैं। जिस तरीके से दैनिक जागरण में कहा गया है कि वापसी होगी लेकिन स्क्रीनिंग के साथ होगी, घर जाएंगे तो होम क्वारंटाइन करेंगे खुद को 14 दिन के लिए। अब अगर दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट के लिए 15 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन किया। इसमें घर वापसी के लिए शर्तें तय की गई हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नोडल अथॉरिटी बनाकर फंसे हुए लोगों को रजिस्टर करेंगे। लोगों को राज्य से बाहर भेजने और अंदर जाने की अनुमति देने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार की जाएंगे, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी सामने ना आए बाद में। फंसे हुए लोग दूसरे राज्य में जाना चाहते तो उनको दोनों राज्य एक दूसरे से संपर्क कर सड़क मार्ग से आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे तभी वो घर जा पाएंगे। जाने के इच्छुक लोगों की स्क्रीनिंग होगी, जिनमें अगर लक्षण पाए जाते तो उनको नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य। जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप को एक कवच के तौर पर यूज किया जा रहा है, अब केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया है आरोग्य सेतु ऐप फोन में रखना। अब बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की। न भारत टाइम्स की अगर बात की जाए, अभी हमने बात की दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर की, अब न भारत टाइम्स की बात करें तो फंसे मजदूरों, छात्रों, टूरिस्टों को घर जाने की छूट मिली। शुरुआत से ही जब लॉकडाउन जारी किया गया था देश में तो जो खबरें आई थी सामने कि अब मजदूर और जो छात्र पर्यटक जहां पर फंस गए उनका क्या होगा, तो इसके लिए शेल्टर होम तैयार किए गए थे, रैन बसेरे तैयार किए गए थे, वहां पर उन लोगों को रखने की व्यवस्था की गई थी, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब सरकार सोच रही है कि इनको घर किस तरीके से वापस भेजा जाए, तो उसकी भी तैयारी कर ली गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, उसके लिए कहा गया है कि जिन जिनको घर वापसी करनी उनका रजिस्ट्रेशन होगा और पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद अगर एक भी लक्षण नहीं होता है तो आप अपने घर जा सकेंगे। लेकिन अपने घर जाकर भी आपको खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है। दिल्ली से आवाजाही को रोकने के लिए हरियाणा में बॉर्डर पर सड़कें खोद दी गईं। बीते 3-4 दिन से खबरें सामने आ रही थी कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार से नाखुश है, क्योंकि दिल्ली से जो काम करके लोग वापसी जाते हैं या फिर वहां से लोग वापस जा रहे थे उनकी वजह से कोरोना का संकट हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने अब जो हरियाणा बॉर्डर है वहां पर सड़कें खोद दी गई हैं ताकि दिल्ली से कोई भी अंदर ना जा सके। केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। इस वक्त जो देश को चला रहा है उसके नाम से ये पूजा की गई है। केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ केदारनाथ के कपाट बुधवार सुबह 6:10 पर खोले गए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रुद्राभिषेक पूजा की गई। कोरोना के संकट में चलते श्रद्धालुओं को इस कार्यक्रम में मौजूद रहने की अनुमति नहीं थी। महज 15 से 16 लोग ही मौजूद रहे, यहाँ तक कि मंदिर के रावल भी क्वारंटीन होने के कारण मौजूद नहीं थे। तो इस तरीके से कपाट खोल दिए गए हैं लेकिन वहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने की अनुमति नहीं है। अगर बात की जाए अगली खबर की बात करेंगे तो हम नवोदय टाइम्स के फ्रंट पेज को लेंगे। नवोदय टाइम्स की बात कर लेंगे तो
एक्टर इरफान खान जो 29 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनको एक खास कॉलम दिया गया है, सहज अभिनय स्कूल का अचानक बंद हो जाना नामुमकिन सा होगा उनके स्थान को भर पाना है। जी हाँ, जिस तरीके से दो क्षतियाँ बॉलीवुड को पहुँची हैं 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को, इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन के रूप में जो बॉलीवुड को क्षति पहुँची, ये शायद ही कभी भर पाए, क्योंकि ये दो एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी आँखों से एक्टिंग बयां करते थे, जो अपने नाम से ही एक्टिंग को लिख देते थे। अगली खबर की बात करते हैं। अब प्रवासी प्राणी हैं वो लौटेंगे घरों की ओर। केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन में फंसे लोगों के आने जाने की व्यवस्था की। जिस तरीके से हमने 3 न्यूज़पेपर की बात की कि प्रवासी मजदूर पर्यटक अपने अपने घर जा सकेंगे, और उसी हिसाब से अब नवोदय टाइम्स में भी इस खबर को खास कॉलम दिया गया है। बट्टे खाते को लेकर आरोप प्रत्यारोप, पूरी खबर बताते हैं। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को दिया जवाब। जो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े कारोबारियों के ऋण को बट्टे खाते में डाले जाने को लेकर मोदी सरकार और कांग्रेस में जो ठन गई थी, उसका जवाब दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट के जरिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धू नदारद। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू नदारद हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ इस समय बिना कमांडर के ही लड़ाई लड़ रहा है, उनका कमांडर उनके साथ नहीं है, जो कि निंदनीय है। लाने ले जाने में होगी सतर्कता की बड़ी भूमिका। सरकार लॉकडाउन की वजह से घर परिवार से दूर फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों जैसे अन्य लोगों को अपने घर लौटने का मौका दे रही है। लॉकडाउन के एक महीने बाद ये निर्णय लेना, इस सब की व्यवस्था करना टेढ़ी खीर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने ये कोशिश की है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि जो एक महीना लॉकडाउन का गुजरा है उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। कुछ लोग पैदल निकल गए और पैदल निकलने वालों में कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो इस तरीके से अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन लोगों को वापस अपने घर भेजा जाएगा। तो लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की खबरों की। अब बात कर लेते हैं हम अगले पेजेस की। तो शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण के अगले पेज से। दैनिक जागरण के जब अगले पेज की बात करेंगे तो दिल्ली और हरियाणा आए आमने सामने। सीमा सील, सब्जियों और दूध की आपूर्ति रोकने का केजरीवाल ने किया विरोध, मनोहर लाल से की बात। हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से सब्जियों और दूध पर रोक लगाने की बात की है, केजरीवाल साहब ने, जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी बात की है, लेकिन सोचने वाली बात है कि दिल्ली से जो व्यक्ति हरियाणा जा रहा है उससे हरियाणा में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। तो इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लोगों का आना जाना बंद करवा दिया है, बॉर्डर पर रोड खोद दी गई हैं ताकि कोई भी बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए। बिना अनुमति ना करें प्लाज्मा थेरेपी पर रिसर्च। अगर पिछले दिन की खबर की बात की जाए तो प्लाज्मा थेरेपी पर जो ब्रेक लगाया गया है, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है, गैर कानूनी इलाज है ये, अभी सिर्फ ट्रायल के रूप में ही जाना जा रहा है, तो अब बिना अनुमति के थेरेपी पर रिसर्च नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी पर रिसर्च जारी रहेगी, हालांकि बिना अनुमति के ये रिसर्च कोई भी नहीं कर सकेगा। अगली खबर की अगर बात की जाए तो जफरुल इस्लाम की फेसबुक पर घमासान, जिस तरीके से एक पोस्ट बताया गया है कि भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत, हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे, वो भूल गए हैं कि भारतीय मुसलमानों के अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा। और ये पोस्ट है फेसबुक पर, जफरुल इस्लाम की पोस्ट है, 28 अप्रैल को डाली गई थी ये, जिसको लेकर एक घमासान चल रहा है। भाजपा ने खोला मोर्चा, देश के खिलाफ साजिश करार दिया, यानी कि जो ये पोस्ट डाला गया है वो देश के खिलाफ एक साजिश
का रूप दे दिया गया है इस पोस्ट को। वहीं जेएनयू में ऑनलाइन मिड टर्म परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, 15 मई तक लगेंगी डीयू की ऑनलाइन कक्षाएं। यानी कि लॉकडाउन है लेकिन पढ़ाई को कोई भी क्षति ना पहुंचे, तो परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन शुरू कर दी गई हैं और साथ ही साथ क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू कर दी गई हैं। अगली खबर की अगर बात करेंगे तो राम भक्तों ने दिया सहरी और इफ्तारी का सामान। एक जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ये शायद उनके सामने बड़ी खबर साबित हो सकती है, उनको करारा जवाब मिल सकता है इस खबर से, क्योंकि जहां राम भक्तों ने सहरी और इफ्तारी का सामान दिया है उस खबर से लोगों के दिलों में ये आना चाहिए कि भारत अभी भी अनेकता में एकता फैलाने वाला देश है, अभी भी यहाँ पर एकजुटता है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर भाईचारा रखना है, वो इन लोगों से सीखना चाहिए। अगली खबर की अगर बात करें अगले पेज की तो 10वीं की नहीं होंगी परीक्षाएं 12वीं की लॉकडाउन के बाद। यानी कि जो परीक्षाएं स्थगित की गई थी 10वीं और 12वीं की, 10वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी, 12वीं की परीक्षाएं होंगी तो लॉकडाउन के बाद अब होंगी। गाइडलाइंस हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक को दूर किया, इनका संशय दूर कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टी के बाद लगेंगी ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि गर्मी की जो छुट्टियाँ हो बीत जाएंगी तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। अगले पेज की बात करें तो महाराष्ट्र की राह पर गुजरात, 4000 से ज़्यादा संक्रमित। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते चले गए और अब 9000 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं, तो गुजरात में भी आंकड़े 4000 से पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में आंकड़े थे लेकिन बीच में अचानक से गुजरात ने तेज़ी पकड़ी और गुजरात में जो आंकड़े बढ़ चुके हैं वो अब थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 10 दिनों में बुधवार को सबसे ज़्यादा 308 नए मामले सामने आए, 16 लोगों की जान भी गई। कोटा से छात्रों को ले बंगाल के लिए 101 बसें रवाना। यानी कि कोटा से जो छात्र भेजे जा रहे थे अपने अपने राज्यों में वो अभी भी सफ़र चालू है, पहले उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से तमाम राज्यों में इन छात्रों को भेजा जा रहा था अभी भी, अब बंगाल के लिए जो 101 बसें रवाना हुई कोटा से वो खबर को खास कॉलम दिया गया। 3 दिन में पूरी होगी यह यात्रा, छात्रों को उनके गृह जिले पहुंचाया जाएगा। जिस तरीके से घर भेजा जा रहा है लेकिन उसके पहले पूरी एहतियातन के तौर पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ही उनको भेजा जा रहा है। पंजाब में 17 मई तक बड़ा कर्फ्यू, रोज 4 घंटे ढील। बंगाल में ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में 4 मई से खुलेंगी छोटी दुकानें और निजी बसें भी चलेंगी, सीएम ममता बनर्जी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने कर्फ्यू की तारीख 17 मई कर दी है, पहले ये तारीख 3 मई थी। हालांकि 38 दिन से जारी कर्फ्यू में आंशिक छूट देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को रोज 4 घंटे ढील देने की घोषणा की है। रेड जोन या कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी क्षेत्रों में ये छूट दी जाएगी, तो यानी कि रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इस तरीके से 4 घंटे की छूट दी जाएगी, जो कर्फ्यू बढ़ा दिया गया 17 मई तक, तब तक ऐसे ही वहां पर अब काम होगा। अगले पेज की अगर बात करें तो कोरोना की कुंडली तैयार करने में जुटे सीएसआईआर के वैज्ञानिक, 2 से 3 सप्ताह में शोध परिणाम आने की जताई जा रही उम्मीद। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि जून अंत तक कोरोना को अलविदा कह दिया जाएगा, 97% कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से जुलाई की तारीख कही गई थी, जुलाई बीच में ही कोरोना को अलविदा कह दिया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात है कि अब और कितना वक्त कोरोना को भगाने के लिए चाहिए। भारत जैसे देशों को टीका विकसित करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा कहना WHO का ही है। आपको बता दें खबर, एकजुटता की जरूरत, वैश्विक संस्था ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग और इनोवेशन को अहम बताया। SEAR के उत्पादकों और नियामकों से वैक्सीन के लिए प्रयास तेज करने चाहिए। WHO ने बुधवार को कहा कि दुनिया में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से वैक्सीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारत, इंडोनेशिया
और थाईलैंड जैसे देशों को कोविड 19 महामारी से निपटने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। तो यानी कि भारत जो वैक्सीन बनाने के तरीके बोले गए हैं, लिस्ट बताई गई है, उसमें भारत को आगे होना चाहिए, ऐसा कहना है WHO का। अगले पेज की अगर बात की जाए तो कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए कानून सख्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं, योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, पेशेंट्स तो हैं, उनका इलाज करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं या पुलिस स्टाफ है, पैरामेडिकल्स हैं या सुरक्षाकर्मी, इन सभी की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नीति बना रही है। और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इस राह में आगे सफल होती है। तो लगातार हमने बात की न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी खबरों से लेकर छोटी खबरों की, लेकिन आज की जो मुख्य खबर है वो यही है कि बॉलीवुड में जो बड़ी क्षति पहुंची है, 29 और 30 अप्रैल जो दो तारीखें हैं, इन्होंने बॉलीवुड को एक बड़ी क्षति दी है। एक्टर इरफान खान और एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। तो इसी के साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC Star News।